आपके न्यूज फाउंडेशन पर दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण पटना में धू धू करके जल उठा है। इसके साथ ही जो दशहरा का उत्सव है वो संपन्न हो गया है। 9 दिनों की नवरात्रि के बाद आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल, डिप्टी सीएम, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और इसके बाद भगवान राम ने सबसे पहले 70 फीट के कुंभकर्ण, उसके बाद 75 फीट के मेघनाथ, और उसके बाद आखिर में दशानंद रावण जो कि इस बार 80 फीट का बनाया गया था उसको जो उसका जो है वध किया है। और इसके साथ ही जो है पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो गया। आपको बता दें, तस्वीर दिखा रहे थे कि गांधी मैदान की, सबसे पहले आज जो है नागा ठाकुर बारी से निकल करके जो भगवान राम की शोभा यात्रा है वो गांधी मैदान पहुँचती है। उसके बाद वहाँ पर जो है लंका दहन कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम जो खास मेहमान थे वहाँ पे, वो भगवान राम की वहाँ पे आरती उतारते हैं। और उसके बाद एक एक करके जो है वो तीनों जो हैं पुतले, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के और रावण के, इन तीनों के पुतले जो हैं बारी बारी करके भगवान राम के द्वारा के हाथों जो है जलाया जाता है। आपको बता दें कि हर साल दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का वध जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। जो है असत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है ये त्यौहार। और गांधी मैदान में जो है बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल, इन तमाम लोगों ने जो है तीर चला करके जो है सांकेतिक रूप से इस दहन कार्यक्रम का जो है वो विधिवत उद्घाटन किया। और उसके बाद भगवान राम और भगवान लक्ष्मण एक साथ रथ पर बैठे हुए थे, और उन्होंने बारी बारी से इन तीनों जो जो पुतले बनाए गए थे उनका दहन करके इस त्यौहार को मनाया। बता दें कि इस बार कई खास तरह के इंतजाम किए गए थे। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में इस बार इको फ्रेंडली पटाखे का इस्तेमाल किया गया था। तमाम चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से किया गया था, चाहे वहाँ पे जो लोग दाखिल हो रहे थे, जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम लोगों के फ्रिस्किंग, तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो रावण वध कार्यक्रम है पटना के गांधी मैदान में वो संपन्न हो गया। छोड़ जाते हैं आज की दुनिया अपने मन में रहती है, रावण के मन में जिंदा है और उसी का अंत किया जाता है। तालियां थोड़ी जोरदार लगनी चाहिए। और देखिए सामने का 80 फीट का कुंभकर्ण, 80 फीट का रावण, 75 फीट का बना हुआ ये मेघनाथ और 70 फीट का कुंभकर्ण। हो गया रावण, और